दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खान। जदयू नेता अशरफ वारसी के कच्ची घानी मिल का उद्घाटन मंत्री ने किया, साथ ही साथ लोगों ने उन्हें बधाई भी दी और अच्छी क्वालिटी का तेल रखने की सलाह दी। आज फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, यहाँ से प्रोडक्शन होना है। इसके प्रोपराइटर अशरफ वारसी साहब हैं, अशरफ वारसी साहब और 200 ग्राम से लेकर के 15 लीटर तक के इनका पैकिंग है और शुद्धता का भी उन्होंने बहुत ख्याल रखा है। हम लोग के नवनिर्वाचित मेयर निर्मला साहू जी भी है, वार्ड पार्षद अर्चना पंडित जी हैं, समी इकबाल साहब है, प्रोफेसर सबीर अब्बास जी हैं, तो ये तमाम लोग जो है सो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि शहर में एक अच्छा उद्योग की शुरुआत की गई है जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए हम प्रोपराइटर अशरफ वारसी साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, अभी दौर चल रहा है, सुनने में आता है कि मिलावट रहता है, क्या लग रहा है? देखिए, उसके लिए तो सरकार ने जो है सो विभाग बना रखा है और सरकार जो विभाग क्वालिटी कंट्रोल विभाग है उसका, वो अब निरीक्षण करती रहती है। और हम आशा करते हैं कि प्रोपराइटर जो है इसके अशरफ वारसी साहब एक सामाजिक कार्य करता रहे हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी तरह की मिलावट इनके कच्ची घानी तेल में नहीं होना चाहिए। रॉयल इन क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं है। कालीबाड़ी रोड के यहाँ कैंपस में रॉयल हिल के नाम से आज इन्होंने फैक्ट्री का हम लोग उद्घाटन में हैं, जिसमें अशरफ वारसी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ के जो इनसे भी जुड़े हुए जितने इनके कार्यकर्ता और यहाँ पे भी मंत्री साहब है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग जो इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो कर्मचारीगण हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अशरफ वारसी साहब को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने एक शुरुआत की है। मैंने अशरफ वारसी जी से कहा है, आप टेस्ट का और हेल्थ का आप जरूर ध्यान रखिएगा जनता के लिए, उनको उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ें, तरक्की करें, बस यही मेरी हम लोग सभी की इच्छा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।